हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ब्लॉग में काफी ज्यादा अच्छा आपको गुड न्यूज मिलने वाला है, तो ब्लॉग एंड तक देखिए। ठीक है, अभी का सीन ऐसा है कि शाम को बज रहा है 4:30 हो रहा है, छोटी जा रही है, जल्दी चलो भाई, छोटी जा रही है कोचिंग, तो चलिए गाइस जल्दी से छोड़ कर आते हैं छोटी। पापा मम्मी यहाँ है, कैसा रहा तुम लोग का? सो गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ जस्ट एक वीडियो शूट करने, एंड मैं अपना बाल सेट करा दे रहा हूँ इन दोनों को एक एक चॉकलेट देकर। फ्री फायर यार, इन लोगों को नशा हो गया है फ्री फायर में। अगर 10 रुपया एयर ड्रॉप आएगा तो कर देना। भीगा है, भीगा है, इधर 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 सब लगा दो पूरा अच्छे से मिलाकर। हाँ हाँ, गाइस अभी देखिएगा बाल मेरा इस तरह खड़ा हो जाएगा, जलवा। दिस इज फर्स्ट टाइम, जलवा नहीं, खाली स्टाइल दिखा रहे हैं, फेंक रहे हैं थोड़ा। तो गाइस देखते हैं किस तरह का बाल मेरा लगता है। तुम्हारा बाल तो भीगा, ये कैसे हो गया? इसमें तो गाइस एक और प्रॉब्लम आ गया, देख सकते हैं वाला। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्व होगा तो गाइस बताइएगा प्लीज। मुश्किल ना मुमकिन है, ये कहो ना नामुमकिन। गाइस अभी एक मिनट भी नहीं रह पा रहा था खड़ा, बट अभी देख यू, वाव यार, मानना पड़ेगा सेटवेट में दम है गाइस। पूछो सो गाइस बताइएगा किस तरह का मेरा हेयर लग रहा है। गाइज वहाँ पर मेरा कैमरा लग चुका है, देख सकते हैं वहाँ पर। अब इस कैमरा से कनेक्ट करूँगा फोन को, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा। सो गाइज अभी मैं सारा अपना काम कंप्लीट करके टेंशन फ्री महसूस कर रहा हूँ, एंड अभी आदर्श यहीं पर सोया है। अभी मैं एडिटिंग किया, अपना टिक वाला चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद अपना ब्लॉग वाला चैनल पर। है क्या बोल रहे? पंखा बंद हुआ है, चलने लगा गाइस, बिकॉज देखिए मैं इसको आराम से इतना ही निकाल कर छोड़ दिया था, बस इतना ही, देख इतना ही, तो ऑटोमेटिक जब सटा तो चलने लगा, इसलिए लगा इसको भूत है। हाँ तो चलिए गाइस इसको लाइट ऑफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं इस रूम से। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? हाँ अभी क्या हो रहा है? सब्जी, अभी करेला का सब्जी है, एंड क्या चीज़ है, रोटी। ओके, रोटी सब्जी है, एंड छोटू बाबू अपना क्या कर रहा है? ओ भाई दिखाओ, गिव मी योर बुक, राइटिंग इसका इनका नहीं लिखा है। जीके, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? रसिया, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, सबसे बड़ा। डब्ल्यू ओ आर एल डी होता है, डब्ल्यू ओ आर होता है, डब्ल्यू आर ओ एल डी, तो क्या लिखे, डब्ल्यू आर ओ एल डी, तो क्या हुआ? गाइस आप लोग सही इसका आंसर बताइएगा, डब्ल्यू आर ओ एल डी, वर्ल्ड बोलते हैं इसे। वर्ल्ड मीन संसार, और नहीं हुआ तो डब्ल्यू ओ आर एल डी होता है। क्या यार, देखिए गाइस पढ़ता है इतना, लेकिन इतना छोटी सी, डब्ल्यू ओ होता है बाबू, वर्ल्ड। इतना भी सही नहीं आ रहा है उसको, तो पापा आ रहे हैं तो बता रहे हैं। गाइस बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, दिन भर फ्री फायर खेलता रहता है। थोड़ा पढ़ाई कर लिया कर, ठीक है? हाँ, डब्ल्यू ओ आर एल डी होता है, वही ना बोलो, डब्ल्यू ओ आर एल डी, W-L-D-M-A-N-A-N-A-N-A. एक बार रुको, नेट से सर्च करके दिखाता हूँ, रुको। गाइज अभी छोटू का झूठ पकड़ा गया है, मैं नेट से दिखा दिया कि एक गलत लिखा है। हाँ क्यों लिखे हो? मम्मी जी यहाँ पर आ चुकी है, आज क्या चीज़ है, जीवतिया बोला जाता है गाइज हमारे यहाँ, एक त्योहार मनाया जाता है जीवतिया। हाँ कब? कल गाइज, ये देखिए छोटी चप्पल पहनकर सब्जी काट रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि चप्पल पहनकर सब्जी नहीं काटा जाता है, खाना नहीं बनाया जाता है। चप्पल पहने इतनी मिलता है, सबको मिलता है, सबको नहीं, सब चप्पल पहनने वाले ठंड गर्म मिलता है, चप्पल नहीं निकाला, किसी को आदत होता है ना, चप्पल गर्म भी नहीं होगा। इतने लोग कमेंट कर रहे थे कि मम्मी जी देख लीजिए क्या बोल रही है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चप्पल पहनकर बोलिए छोटी सब्जी ना काटे। हाँ
बहुत हार्ड। क्या हुआ? पट्टे से हेडशॉट मारा है गाइज। सो गाइज अभी एक पोपट हो चुका है। मैं जा रहा था दूध लाने राज के घर, बट पापा जी बाइक लेकर चले गए। वाह, अभी मैं जस्ट जा रहा था दूध लाने, बट बाइक ही नहीं है। द्वार पर जाकर मैं देख रहा हूँ। तो जाएगा बाइक लेकर आ जल्दी। हाँ, कहाँ पर है? पापा जी ब्लॉक पर ले गए हैं। इसको भी सिखा दो। देखिए गाइस, रो रहा है छोटू। देखिए इसका फेस, देखिए गाइस जी अपना सिक्स पैक दिखाता है। ओ अभी मार देगा कोई तो कितना बुझाएगा। गाइस स्कूल में जाता है पिटा कर चले आता है गाइस। हां ये तो काम ही रहा है। घर पिटा मार कर पैर इसका तोड़ दिया था। हां स्कूल में गया था कोई प्रिंसिपल से भगा दिए। तो गाइस ये एडिटिंग मेरे आते बाबू से कुछ भी बोलेगा। गाइस हम लोग के स्कूल में छुट्टी हुआ था। हाँ। मगर फर्जी लोग जाने नहीं दिए स्कूल से बाहर। किसको? हम लोगों को। वाई 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 कोई कोई कौन भाग गए? वाई भाग गए भाई, भाग गए मगर भाई। वाई में बोल रहा हूँ तो बोल। वाई भाग गए मगर वाई नहीं भाई, भाई वाई वाई भाग गए। हाँ राज के यहाँ से दूध लाने, ठीक है। राज अपना बाइक लेकर आया है। आप समझ सकते हैं कि दोस्ती से कहते हैं कि राज अपना बाइक लेकर आया है दूध लेने के लिए। गाय जल्दी से दूध लेकर आते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। अरे यार गिराना मत। सो गाइस अभी मैं दूध लेकर आ चुका हूँ। मेरा दूध भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ओ भाई बहुत ज़्यादा गर्म है। आई नो गाइस बहुत सारे लोग गुड न्यूज़ का वेट करते होंगे। आपको बता दें कि मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, जो मेरे टेक वाले चैनल को रेगुलर देखते होंगे तो उन सारे लोगों को पता चल गया होगा। लिटरली गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यार। आप समझ सकते हो कि यार 70 दिन हो गए होंगे, 70 दिन से ज्यादा दिन हो गया मेरा डेली ब्लॉगिंग का। यार कोई मजाक है क्या? 70 दिन से ज्यादा हो गया डेली ब्लॉगिंग का, तब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है फाइनली। तो आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ यार। इस सारा कुछ आप लोग की वजह से हो रहा है। अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते ना यार, तो मैं डेली ब्लॉग कर ही नहीं पाता यार। आप सोच नहीं सकते कि यार 70 दिन कम नहीं हुए यार। आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत पहले भी ब्लॉग किया था, उसके बाद भी छोड़कर, उसके बाद मैं अब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, उसके बाद भी डेली ब्लॉग किया। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत से कुछ दिन हो गया था ना, कुछ दिन रात के 9, 10, 11 बजे तक भी मैं वीडियो अपलोड करा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा मेहनत से ब्लॉग अपलोड करता हूँ। एंड कितना भी कुछ हो जाए यार, मैं हॉस्पिटल में भी जाकर वहां पर भी मैं ब्लॉग अपलोड करके आपको दिया हूँ। तो इसे कहते हैं यार मेहनत। तो आई होप आप ऐसे ही मेहनत करेंगे, आप भी आगे जाइएगा, हमें भी लेकर जाइएगा। और क्या कर सकते हैं, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और आप भी आगे जाइएगा, मैं भी आगे जाऊंगा, एंड हम सब आगे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल से आप रेगुलर एंड टाइम पर आपको ब्लॉग मिलेगा। कब मिलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ मैं DSLR से ब्लॉगिंग करूँ या ना, नीचे कमेंट में प्लीज बताइएगा, ठीक है। DSLR से ब्लॉगिंग करूँ या ना कैमरे से, यार प्लीज कमेंट तो कर दिया कीजिए यार। बहुत सारे लोग कमेंट ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा ना, थैंक यू सो मच भाई, लव यू।